मैं एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगा कि बंदनी साइन कर ली थी, स्ट्रगलिंग डेज थे, तो मैं यहां सात बंगला में रहा करता था, लेकिन जट था तब रहा तो ये की मैं हारपेट पहन के घूम रहा था। तब सनन से एक पड़ा था तो मैं यहां से चलते चलते जुहू होटल एक है आगे, वहां एक लंबा सजरक था, उस पर लाइटें लगी म्यूजिक बजता था, तो मैं उससे दुआ करता था कि एक दिन वहां कॉफी पीने जाऊंगा। और मैं उसका शुक्रगुजार हूं, आज उसी सनन सेन में खड़ा हूं और बेतना मेरी तारीफ के पुल जो बना दिए हैं उनको मैं कैसे संभालूंगा। अब मैं शकीन प्रदीप जी को प्यार देता हूं। कुछ दिन पहले ही मेरे पास आए कि हम कुछ शुरू कर रहे हैं। वो कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, इनके इरादे बहुत बुलंद हैं, ये बहुत कर गुजरना चाहते हैं और बहुत कर गुजरेंगे। नेक दिल जब मेहनत कश होता है तो वो आसमान की बुलंदियों से भी ऊपर उठ जाता है। इनके लिए मैं कुछ बोलूंगा कि फहरिस्त अपने कारनामों की थमाकर हाथ में वक्त के तामील हो हुक्म दे दिया है। नक्शे कदम नक्शे पा वते के अपनी छोड़ने बाकी हैं अभी, रुख हवाओं के बदलने बाकी हैं अभी, सबक खतरों को सिखाने बाकी हैं अभी। यलगार हो बुलंद हो नारे जाबाजी, मिलेगा न सानी कोई तारीख वर्क में अपना, जहां पे खेल जाने के इरादे बाकी हैं। ये मैं लिखता हूं, इनको देखा इनको सुना, इनके मुख्तलिफ जो इरादे हैं बहुत कुछ शुरू करने के, एक चैनल चढ़दीकला जो पंजाब दिल्ली जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश सब जगह बहुत मकबूल है, अब ये चाहते हैं इतनी मकबूलियत से मुंबई में मिले, मेरी दुआएं। और इसके साथ साथ ये एक हफ्तावार मैगजीन भी निकालना चाहते हैं, मूड मुंबई, मुंबई के मूड कैसे हैं आप सब जानते हैं, मुंबई सोती नहीं है, ये जागती रहती है, हसीन है, इसके हर मूड को ये कैप्चर करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। और उसके साथ साथ ये एक रोजाना अखबार, क्या नाम है इसका, परवास, ये डायरेक्टर साहब हैं हमारे सरदार जी, सत श्री अकाल, तो मैं उसके लिए भी दुआएं देता हूं कि जिन इरादों से ये आगे बढ़े हैं ऊपर वाले इनको उससे भी खास मकाम तक ले जाए, और वो यकीन ले जाएगा जिनके ऐसे इरादे हों उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इरादे ही नहीं, ये जज्बात से भरपूर हैं, इखलाक से भी भरपूर हैं और यहां से भी भरपूर हैं। तो मैं तो दुआएं करूंगा इन सब के लिए, क्योंकि मैं तो मीडिया की पैदाइश हूं, मीडिया एक फिल्म फेयर नाम का पेपर आपने देखा होगा जिसने कभी मुझे अवार्ड नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे सिलेक्ट किया था 58 में, आई वॉज द विनर ऑफ ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट, आई एम प्राउड दैट son of such a mother got selected out of thousands of boys and girls. So, और ज्यादा क्या कहूं, आप में अगर ऐसे लगता है मैं आप में से हूं,
परवाज नाम है इनका, तो मैं भी लिखता हूँ एक फिर बोल देता हूँ थोड़ा सा बोल मिली सिंह सदा जी सत श्रीकाल चढ़ी कला चढ़ता बोला चढ़ती कला अच्छा है। जब मैं गांव में था यहाँ आया क्या कुछ किया हसरत थी परवाज हूं हसरत थी परवाज लूं लेके सबको मैं उड़ू और लेके सबको ये भी उड़ाएंगे अकेले नहीं जाएंगे इनके साथ प्रदीप जी हैं और बहुत कुछ है ये यकजहती का एक नमूना है। हसरत थी परवाज लूं लेके सबको मैं उड़ू खुदा ने चेहरा पढ़ा सुनी दिल की मेरे सदा हो गया रोशन रास्ता जानवे मंजिल में चल पड़ा जिससे भी मैं जा मिला सीने से दरिया लगा हो गए बुलंद हौसले होने लगे तय फासले उम्र थी लाखों चाहते आप सब उम्र थी लाखों चाहते बन के दुआएं लगी बरसने मैं बस चलता गया चार माँ एक साथ मेरे बनता गया और यकीन इनके साथ भी कार्यक्रम बनता जाएगा। बहुत सारी दुआएं सबको शमी प्रदीप जी जीते रहिए अल्लाह खुदा वाहेगुरु जितने भी नाम मेरा बड़े मैं तो इंसान ही उतना मान लू उन सारे रब मेरे प्रभु राजा मेरे माना सलाह भी कर लें मशुरा भी कर लेता हूँ बिकॉज आई लव ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट सिग्नेचर इस पे भी कहें और शायरी का मोड़ा जो है कहते होती है तारीफ अहमियत की वीआईपी ईआईपी की किंग किंग ऑफ किंग्स दिस बिग स्मॉल डाउन तो सबकी बड़ी तो होती है तारीफ अहमियत की इंसानियत की मगर कदर होती है ये तारीफ और कदर में फर्क देखिए साहब होती है तारीफ अहमियत की इंसानियत की मगर कदर होती
We'll be right back.